अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू थर्ड लेक्चर आज का जो थर्ड लेक्चर है इसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम डिस्कस कर लेंगे राइट right? लेक्चर टू में हमने इरिगेशन सिस्टम को डिफाइन किया हुआ था और उसके एडवांटेजेस डिसंानटेजेज और इरीगेशन uh, सिस्टम जो हमारा है उसकी इंपोर्टेंस क्या है वो हमने डिस्कस किया हुआ तो आज का हमारा टॉपिक है इरिगेशन सिस्टम के टाइप्स क्या हैं लेट्स स्टार्ट बेसिकली जो है ना इरीगेशन सिस्टम को हम लोग इस चीज में आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना है इरीगेशन सिस्टम के टाइप्स अलग चीज है और इरीगेशन सिस्टम के टेक्निक्स अलग चीज है ठीक है तो आज हम लोग टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं तो टाइप्स के अंदर हमारे पास दो बेसिक टाइप्स आती हैं इरीगेशन सिस्टम सी कौन कौन सी होती है हमारी सरफेस और सब सरफेस इरीगेशन ठीक है लेट्स लाइन राइट बाय यूजिंग डिफरेंट कलर मेन टाइप्स क्या होती हैं? एक होता है सरफेस इरिगेशन। इसके नाम पे आप गौर कर लें तो आपको समझ आएगा सरफेस इरिगेशन। और दूसरा हमारा होता है सब सरफेस इरिगेशन कुछ समझ आ रहा है दोनों में क्या मतलब डिफरेंस है? है नाम तो खैर शो हो रहा सरफेस इरिगेशन जैसे हमारे कोई सरफेस लेवल है ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल ही हमारा है केस, कोई ऐसा मेथड हम यूज कर लें से ये हमारे कुछ क्रॉप्स हैं सही है इन क्रॉप्स को जो है ना हम अगर इरिग, इनकी इरिगेशन करने के लिए पानी जो इनको प्रोवाइड करेंगे इस ग्राउंड लेवल से ऊपर अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं समझ रहे हो इससे ऊपर अगर पानी हम प्रोवाइड करेंगे तो आपका सरफेस इरिगेशन सिस्टम के अंदर आएगा ग्राउंड लेवल से नीचे हम इनको पानी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका सब सरफेस में आएगा वो सब सरफेस इरिगेशन तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट और डिफरेंस आपको समझ आएगा उसके बाद तो हम इनके जो है टाइप्स को देख लेंगे सही है क्या है सरफेस इरिगेशन एंड देन सब सरफेस इरीगेशन अब जो सरफेस इरीगेशन है इसको जो है ना हम लोग डिवाइड करते हैं टू बेसिक टाइप्स में एक आपका होता है जिसको हम बोलते हैं सॉरी फ्लो एरीगेशन एफ एल ओ डब्ल्यू फ्लो इरीगेशन सही है सरफेस इरिगेशन का टाइप है फ्लो इरिगेशन दूसरा हमारा होता है इरिगेशन फिलहाल आप इनके टाइप्स देख लें तो इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेंगे और डिफाइन कर लेंगे ठीक हो गया अब जो आपका फ्लो इरिगेशन जो है ना फ्लो इरिगेशन के अंदर फिर फर्दर दो टाइप्स आती हैं एक तो हमारे दो टाइप्स ही हो गई सब सरफेस इरिगेशन की फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट एरीगेशन ठीक हो गया अब जो फ्लो एरीगेशन है इसके अंदर फिर फर्दर आपकी दो टाइप्स आती हैं कौन कौन सी आती हैं फर्स्ट टाइप इज पेरेनियल पी आर ई डबल एन आई ए एल पेरेनियल इरीगेशन अब ये क्या बला है इसको हम बाद में देख लेंगे डिफाइन कर लेंगे हम फिलहाल हम क्या कर रहे हैं इनके टाइप्स को देख रहे हैं फ्लो एरीगेशन का एक टाइप आपका पेरिनियल इरीगेशन हो गया और दूसरा आपका होता है फ्लड एरीगेशन सही है फ्लड तो आपके दो टाइप्स हो गई किसकी फ्लो एरीगेशन की वन तो और टू ये किसकी टाइप्स हो गई आपकी आई थिंक ये वर्क नहीं करेगा इसमें फ्लो इरीगेशन की दो टाइप्स ठीक है हम दूसरे ट्राई कर लेते हैं फ्लो इरीगेशन की हमारी दो टाइप्स कौन सी हो गई एक ये हो गया दूसरा ये हमारा हो गया ठीक है और सब सरफेस इरीगेशन के दो टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हो गई सॉरी सरफेस इरीगेशन की दो टाइप्स आपकी फ्लो इरीगेशन और लिफ्ट इरीगेशन राइट यहां तक तो चीज क्लियर हो गई अब आप आ जाएं आपका सब सरफेस इरीगेशन के अंदर सब सरफेस इरीगेशन में आपके फर्दर दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है एक आपका है नेचुरली आपका हो जाता है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन ये इसका एक टाइप है और दूसरा होता है हम आर्टिफिशियली करते हैं आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन ठीक है इनसे काफी क्यूज और क्वेश्चंस बन जाती है तो इनको आप लोगों ने याद रखना है ठीक है तो कौन सी हो गई हमारे पास दो टाइप सब सरफेस की वन इज नेचुरल सब सरफेस इरीगेशन सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन ठीक हो गया जी ड्रॉ सम लाइंस ये हमारी हो गई ब्लैक कलर ठीक हो गया एक हमारा ये हो गया टाइप दूसरा हमारा हो गया आर्टिफिशियल तो ये दो हमारे पास टाइप्स हो गई सब सरफेस की अभी हम आगे देखते हैं कि फ्लो इरीगेशन है क्या चीज लिफ्ट इरीगेशन है क्या चीज एक डिफरेंस आपको पता चल ना एक सरफेस इरीगेशन और सब सर्वेस डिफरेंस क्या है ठीक है अब जो सब सरफेस हम इरीगेशन करते हैं इसको हम इसके डिफरेंट टाइप्स हैं और सॉरी सरफेस इरीगेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं और सब सरफेस के भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं उसके डिफरेंट रीजन है किस वजह से डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है तो उसको वन बाई वन हम देख लेंगे तो लेट्स इरीगेशन यहां तक चीजें समझ आ गई फर्स्ट वन हमारा है स्टार्ट विथ सरफेस इरीगेशन से हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट बेसिक टाइप है वो क्या है नंबर वन इज सरफेस एरीगेशन ठीक हो गया सरफेस इरीगेशन मीन्स आपका ग्राउंड लेवल जो भी होगा उससे ऊपर हम आपके जो भी क्रॉप्स हैं ठीक है ना आपके जो क्रॉप्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं पानी प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी तो मेथड के थ्रू तो इसको हम सरफेस इरिगेशन कहते हैं तो सरफेस इरिगेशन में सबसे पहला हमारा बेसिक जो टाइप था वो क्या था नंबर वन टाइप इज फ्लो इरिगेशन नाम से कुछ पता चल रहा है फ्लो इरिगेशन क्या चीज है अब सरफेस इरिगेशन में एक चीज आप ये भी नोटिस कर लेना जैसे एक इस तरह केस हो सकता है ना कि मेरे पास कोई पहाड़ी एरिया है हो सकता है ठीक है और यहां पे मेरे पास वाटर सोर्स यहां पे है, एक के सी हो सकता है राइट? ऐसे हो सकता है कि नहीं अब इन पौधों को पानी देने के लिए एक सोर्स मेरे पास ये हो सकता है और दूसरा सोर्स मेरे पास दूसरा सोर्स क्या हो सकता है बताएं जरा दूसरा सोर्स हमारे पास ही हो सकता है ना कि आपका ग्राउंड लेवल है और यहां पे नीचे कोई आपका अंडरग्राउंड पानी है ठीक है ये क्या है आपका ग्राउंड वाटर सोर्स है ठीक है तो एक तो ये कर सकता हूं कि इन पौधों को पानी देने के लिए मैं एक और केस ये कर लेते हैं ना जैसे इसको फर्दर क्लियरली समझने के लिए ऐसे ये एक इस तरह की जगह है ठीक है और ये जगह हमारे पास सही है तो इस जगह में भी मैंने कुछ क्रॉप्स उगाए हुई है बल्कि इसको एक और चीज कर लेते हैं ये थोड़ा सा आपको ये स्टार्टिंग के टॉपिक्स जो है ना थोड़े से आपको बोरिंग लगेंगे लेकिन इनको आप समझेंगे तो फिर आगे जाके आपके लिए चीजें ईजी होंगी ठीक है फेट से एक मेरे पास ऐसा एरिया है जहां पे इधर मेरे क्रॉप्स हैं ठीक है ठीक हो गया जी तो अभी देख लेते हैं अब ये जो पौधे हमारे पास हैं इनके लिए आप क्या कर सकते हैं पानी इनको कैसे प्रोवाइड करोगे एक तो ये है ना कि मेरा वाटर सोर्स यहां पे है यहां से मैं क्या करूंगा पानी को यूं समझ रहे हो यू प्रोवाइड करूंगा यहां से ये यह आपका हायर लेवल है हाई लेवल से लो लेवल में पानी को लेके आओगे तो इसमें आपको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है ये आएगा आपका ग्रेविटी को यूज करके बहुत बहुत पानी ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से आपके क्रॉप्स तक पहुंच जाएगा लेकिन इससे मेरे पास केस ऐसा है कि यहाँ पे मेरा वाटर सोर्स का लेवल हाई नहीं है डाउन है जैसे ये मेरे क्रॉप्स हैं और इनको मैंने पानी देना है यहां पे ग्राउंड वाटर मेरे पास यहां पे है ठीक है तो अब या फिर इनको पानी देना है ये वाला सोर्स अभी है नहीं तो इस और इसके लिए ये हमारे पास सोर्स है तो अब अब इनको पानी देने के लिए यहां या यहां पानी पहुंचाने के लिए अब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो पानी जाएगा नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैकेनिकल कोई इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा जो इसको मैकेनिकली इसको अपलिफ्ट करें पानी को कैसे करेंगे लाइक like, आप पंप यूज करेंगे ठीक हो गया तो ए, फ्लो इरिगेशन का डेफिनेशन क्या होगा फ्लो इरिगेशन आपके पास होगा अब सरफेस इरिगेशन के टाइप बता रहा हूं ना सरफेस इरिगेशन का तो मैंने बता दिया है आपको समझ आया ग्राउंड लेवल से ऊपर आपने पानी जो डाल क्रॉप्स को दे रहे हो आपका सरफेस इरिगेशन में आएगा आप सरफेस इरिगेशन में दो केसेस हमारे पास हो सकती है एक तो आपके पास ए, ये सिनारी आपको जैसे मैंने बताया कि यह वाला सिनारी आपके पास हो सकता है सही है दूसरा सिनारी आपके पास ये हो सकता है सही है दो आपके पास हैं। तो इन दोनों के हिसाब से हमने डिवाइड किया हुआ तो फ्लो इरिगेशन आपका आएगा किस केस में ये वाला जो केस है इसको हम कहेंगे फ्लो इरिगेशन समझ रहे हो ग्रेविटी के थ्रू आपका पानी आ रहा है और ये क्या है जिसमें हमने अपलिफ्टिंग करनी है पानी को ऊपर उठाना है तो वो दूसरा टाइप क्या था सरफेस इरिगेशन का लिफ्ट इरिगेशन क्लियर हो रही हैं ये ऊपर हमने जो पढ़ा था ना सरफेस इरिगेशन में फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन मेन जो दो टाइप थी तो ये आपका केस हो हो गया गया फ्लो इरिगेशन का ठीक हो गया जी और ये आपका लिफ्ट इरिगेशन का हो गया अब फ्लो इरिगेशन का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसको लिख लें फ्लो इरिगेशन में आप लिख सकते हैं राइट इट डाउन वाटर अवेलेबल एट हायर लेवल इज सप्लाइड इसमें हम क्या करते हैं वाटर अवेलेबल एट हायर लेवल इज सप्लाइड टू दी क्रॉप्स और प्लांट्स एट अ लोअर लेवल बाय ग्रेविटी ठीक हो गया सिंपल और इसी तरह इसका जो सेकंड टाइप आपका है क्या है लिफ्ट, एरीगेशन इसका डेफिनेशन आप खुद ही बता सकते हैं क्या होगा वाटर अवेलेबल एट लोअर लेवल इज लिफ्टेड By using mechanical means such as pumps, right? And then that water is supplied. क्रॉप फॉर example आप जो वेल से पानी निकालते हो कुएं से सही है वेल से पानी निकाल के आप आ, उनको सप्लाई करते हो तो क्या हो गया आपके पास ये वाला केस ये रहा और ये आपका ये वाला केस रहा हो गया दोनों का डिफरेंस पता फ्लो इरिगेशन लिफ्ट का अब फ्लो के अंदर दो हमारे पास टाइम टाइप हमने डिवाइड की थी पेरेनियल इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन अब इसमें आप इसी इमेज में आप देख लें तो आपको अंदाजा होगा अब इसमें क्या हो सकता है दो केसेस क्या हो सकती हैं आपका ग्रेविटी के थ्रू पानी आ रहा है तो एक एक ये हो सकता है ना इन क्रॉप को ये जो पानी आ रहा है हम दो मेथड इनको प्रोवाइड कर सकते हैं एक क्या कर सकते हैं इस पानी को कंट्रोल करके जितनी इन पौधों की रिक्वायरमेंट है सही है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पानी ये जो आ रहा है ऊपर से इसको प्रोवाइड कर रहे हैं एक तो कंट्रोल के थ्रू दूसरा क्या कर रहे हैं कोई कंट्रोल नहीं है पानी जैसे आ रहा है उसको ऐसे छोड़ रहे हैं मतलब सैलाब की तरह आ रहा है फ्लड की तरह सही है तो दो तरीके हो सकते हैं ना इस पानी के आने का एक तो हम कंट्रोल करके इसको जितनी पौधों की रिक्वायरमेंट है वो दे दें दूसरा ये हो सकता है कि देर इज नो कंट्रोल वो फ्लड की तरह आएगा और जो आप जिस जगह में आपने पानी प्रोवाइड करना है उधर प्रोवाइड करते जाएंगे कोई प्रॉपर मेथड के थ्रू नहीं होगा थ्रू आउट द फील्ड आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बेसिक दो टाइप जो टाइप हमारे पास है दो फ्लो एरीगेशन की उनका मेन थीम यही है तो हमारे पास क्या था लेट्स फर्स्ट फ्लो एरीगेशन जो था ना इसके हमने फर्दर दो टाइप हमने डिफाइन किए थे को हम यहां पे देख लेते हैं पहला क्या था हमारे पास पी आर पी ई आर है सही है पी आर ई डबल एन आई ए एलपेरियल इरीगेशन और दूसरा हमारे पास क्या है फ्लड इरीगेशन समझ आ रही है फ्लड इरीगेशन नाम से भी शो हो रहा है जैसे जो मैंने बताया जो ऊपर से आपका फ्लो इरीगेशन जो आ, हायर लेवल से लोअर लेवल में पानी लेके आ रहे हो उसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं एक तो पेरेनियल इरीगेशन और दूसरा फ्लड इरीगेशन अब पेरेनियल इरीगेशन में आपको क्या है इसमें कंट्रोल जो मैंने बोला ना एक में या तो कंट्रोल वाटर को फ्लो करवा सकते हैं या फिर कंट्रोल नहीं है इसमें फ्लडिंग हो रही है तो पेरेनियल इरिगेशन आपका क्या होगा आप इस तरह कह सकते हैं कि इन दिस इरिगेशन सिस्टम कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर Supply is maintained for the crops or for the crops in accordance with their requirement. विथ दे रिक्वायरमेंट्स थ्रू आउट क्रॉप पीरियड ठीक हो गया जी अब इसी हिसाब से फ्लड इरीगेशन का डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हैं इन दिस मेथड इन दिस मेथड स्वाइल इज केप्ट सबमर्स्ड एंड फ्लडिड विद वाटर ठीक होगी अब इसको हम एक और नाम भी देते हैं इसी डेफिनेशन के हिसाब से आप इनको आ, नाम दे भी सकते हैं लेट्स चेक इसको हम क्या बोल सकते हैं इसको बोलते हैं दूसरा नाम कॉल्ड कंट्रोल्ड इरिगेशन आप इसको बोल सकते हैं ठीक हो गया इसको हम क्या बोलते हैं अनकंट्रोल्ड ट्रोल्ड इरीगेशन गोड इट तो ये आपको चीजें समझ आ गई होंगी यहाँ तक यहाँ पे सरफेस इरीगेशन की जो टाइप्स थी वो खत्म हो गई फ्लोर इरीगेशन लिफ्ट इरीगेशन इसके फर्दर पेरेनियल इरीगेशन और फ्लड इरीगेशन ठीक हो गया। अगर चीज क्लियर नहीं है आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं इसको फिर हम फर्दर क्लिक करेंगे अब हम मूव करते हैं सब सरफेस इरिगेशन अब सरफेस इरिगेशन के बाद हमारा आता है दूसरा आ, सब सरफेस इरिगेशन हमारा दूसरा है दूसरा टाइप हमारा होगा सब सरफेस ठीक हो गया जी ये आपका हो गया दूसरा टाइप इसमें हमने दो क्या पढ़ी थी एक पढ़ा था आपका अल्लाह भला करे नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन और दूसरा हमने पढ़ा था क्या जी नेचुरल के बाद आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम तो नेचुरल में कैसे हो सकता है सब सरफेस ये आपका जो जमीन का लेवल है ग्राउंड लेवल इससे नीचे नेचुरली कैसे प्रोवाइड हो सकता है पानी लेट्स एक एन एग्जांपल मेरे पास कुछ पौधे हैं यहाँ पे ठीक हो गया जी और यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास कोई चैनल है जो यहां से गुजर रहा है चैनल या कैनाल आप इसको जो भी बोल दो ठीक है मेरे पास इस तरह का कोई कैनाल है जो यहां से गुजर ठीक है तो इसके अंदर जब पानी यहां से गुजरेगा तो ऑब्वियसली कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है कि इसके अंदर से पानी का कोई ना कोई सीपेज होगा कि नहीं राइट right? जब सीपेज होगा तो इसके आसपास जो भी पौधे हैं उनको ये ग्राउंड लेवल से नीचे जाके इनके रूट्स में पानी प्रोवाइड करेगा ठीक है और ये ग्राउंड लेवल से नीचे जाके कर रहा है तो ये सब सरफेस हो गया और ये नेचुरली कर रहा है हमने कोई आर्टिफिशियल सिस्टम खुद नहीं किया इसको यहां तक पहुंचाने के लिए तो ये नेचुरली भी कर रहा है और जमीन के लेवल से नीचे भी है तो इस तरह के केसेस को हम कहते हैं नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन तो इसको आप अगर डिफाइन करना चाहो तो क्या लिख सकते हो लीकेज वाटर फ्रॉम कैनाल डिवरिंग इट्स पैसेज लीकेज वाटर फ्रॉम कैनाल्स या चैनल्स During its passage through subsoil uh, uh, through subsoil irrigates. ऑन लेवल या फिर कैनाल ठीक हो गया जी। एक तो ये कर सकते हैं इसके साइडों में जो है वो हो सकता है या एक तो यहाँ पे सीप कर जाएगा और कुछ आपके प्लांट्स क्या हैं इसके क्या कहते हैं नीचे कहीं यहां से आपको कैनाल गुजर रहा है और यहाँ पे आपको कुछ पौधे हैं ठीक है तो यहाँ से पानी जब सीप हो जाएगा तो लोअर लेवल पर के इनको भी ये इरिगेट कर सकता है जमीन से मैं सीपेज करके तो ये आपका नेचुरल हो गया अब आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन में क्या हो सकता है सब सरफेस तो हमारे पास वही सेम चीज है कि जमीन के लेवल से नीचे होगा आर्टिफिशियली हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं लेट्स से ये मेरे पास कोई खेत ही है यहां पे प्लांट्स लगी हुई है ठीक है जी अब इनको पानी हमने पहुंचाना है ठीक है अब इसमें एक चीज आपने ये याद रखनी है ना सॉइल जो होता है ना कुछ जगहों में आपका जो सॉइल की कंडीशन बहुत ज्यादा परमिसिबल हो सकता है मतलब पानी को ज्यादा अपने अंदर सीपेज के लिए परमिशन दे देता है सीपेज ज्यादा हो सकती है सीपेज परमिसिबल लेवल इसका हाई होता है तो इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन करते हैं ठीक है ये चीजें बाद में हम डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन क्या होता है एक तो ये सब सरफेस ग्राउंड लेवल से नीचे होगा अब इसको हम कैसे प्रोवाइड करेंगे पानी सिर्फ इनके रूट्स को हमने पानी देना है तो हम क्या करेंगे आर्टिफिशियली एक पाइप यहां पे पाइप्स का नेटवर्क बिछा देंगे सही है ठीक है जी और क्या कहते हैं डिफरेंट पाइप्स यहां पे अटैच होंगी और ये इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इनको पानी प्रोवाइड करेंगे सिर्फ इनके रूट्स के अंदर ठीक है जी इसको हम ड्रिप इरिगेशन जो बोलते हैं बाद में हम इसके जो टेक्निक्स आएंगे उसमें हम वो कर लेंगे ये आर्टिफिशियली हम पाइप्स के नेटवर्क बिछाते हैं अंडरग्राउंड जमीन के नीचे और प्लांट्स के रूट्स को डायरेक्टली हम पानी प्रोवाइड करते हैं सो हाउ यू कैन डिफाइन दिस इन दिस मेथड सिस्टम ऑफ ओपन ज्वाइंटेड ड्रेन और परफोरेटेड पाइप्स इसकी डेफिनेशन आप लिख लें In this method, a system of open क्योंकि इनकी डेफिनेशन लिखना लाजमी है आप कुछ चीज समझ भी आ जाए लेकिन आपने बाद में कहीं पे भी उसको प्रेजेंट करना है कहीं पे आपने कम्युनिकेट करना है किसी एग्जाम आप से आपसे आपसे पूछा गया एग्जाम में तो आपने कहीं पे लिखना है तो आपने ऑब्वियसली इंग्लिश में ही लिखना है तो इसको डिफाइन करना और इसको लिखना आपको आना चाहिए दिस मेथड अ सिस्टम ऑफ ओपन ज्वाइंट ड्रेन और परफ़ोरेटेड पाइप या पाइप्स परफोरेटेड पाइप्स आर आर्टिफिशियली लेड मतलब बिछाना बिलो है। अब ये जो है ना एक चीज आप ये भी नोट कर लें ये मेथड जो है ना काफी कॉस्टली होता है खर्चा ज्यादा होगा इसमें आपको एक्सपेंसिव ठीक है तो ये किस तरह की जगह में हम यूज करें इसको मतलब हम ऐसे जगहों में यूज करेंगे जहां पे आपके जो क्रॉप्स है ना आपके जो क्रॉप्स होंगे जो भी आपके पौधे लगे हैं क्रॉप्स इनका जो है ना ये आपको आउटपुट आउटपुट या यील्ड जिसको बोलते हैं हाई हो सही है इससे आपको ज्यादा फायदा मिल रहा को हो कोई ऐसी क्रॉप्स हो जिनसे आपको मतलब कोई आउटपुट या इसका यील्ड ज्यादा मिल नहीं रहा है वहां पे मेथड रिकमेंडेड नहीं है ठीक है तो दिस इज कॉस्टली प्रोसेस सो रिकमेंडेड इन एरियाज वेयर क्रॉप प्रोवाइड्स हाई यील्ड। तो इसके लिए कहां पे रिकमेंडेड है? दिस मेथड इज रिकमेंडेड इन एरियाज With very high yield of crops because this method is expensive or you can say costly. ठीक हो गया जी तो ये थी हमारी टाइप्स इरिगेशन की और इसमें एक और चीज आपने नोट करनी है सरफेस और सब सरफेस इरिगेशन के अंदर ना हम टॉप में जहां पे लिखा है दोनों का जो एक डिफरेंस बेसिक है वो हम देख लेते हैं। ये सब सरफेस जो है ना हम लोग hmm, सब सरफेस इरिगेशन को हम कहां प्रेफर करते हैं जहां पे आपका दिस स्वाया है। दिस मेथड इज गुड फॉर सॉइल विथ लो टू मॉडरेट इन फिल्ट्रेशन कैपेसिटीज या फिर आप एक तो लो या मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी पे होना वहां पे हम ये प्रेफर करते हैं लेकिन जहां पे हाई इनफिल्ट्रेशन है कैपेसिटी हो सॉइल के अंदर तो हम वहां पे सब सरफेस इरिगेशन को प्रेफर करते हैं तो इसके अंदर से आपके बहुत सारे MCQs बन सकती है शोर्ट क्वेश्चन जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब सब सरफेस इरीगेशन हम किस तरह की सॉइल के अंदर प्रेफर करते हैं जिसके अंदर लो इनफिल्ट्रेशन हो मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन हो या फिर हाई इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो तो हमें पता है सब सरफेस इरीगेशन जो है हम हाई इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी सॉइल जहाँ पे होगा वहां पे हम उसको प्रेफर करते हैं तो इसी तरह बाकी सारी टाइप्स के आपके आपसे पूछे जा सकते हैं फ्लो इरिगेशन के टाइप्स क्या होती हैं या पेरेंडियल इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन में डिफरेंस क्या है या फिर फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन में डिफरेंस क्या है सब सरफेस इरिगेशन के टाइप्स क्या हैं दोनों में डिफरेंस क्या है नेचुरल सब सरफे सरफेस इरीगेशन और आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन में डिफरेंस क्या है और ये पूछ सकते हैं कि आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन हम कहाँ पर प्रेफर करते हैं कहाँ पे रिकमेंड करते हैं ठीक है नेचुरल सब सरफेस इरीगेशन कैसे होता है और लिफ्ट इरिगेशन कैसे होता है फ्लड इरिगेशन, एर सॉरी फ्लो इरिगेशन के टाइप्स और इसका इसको डिफिनेशन इसका डिफिनेशन आपको आना चाहिए ये तो सारी चीजें होप आई होप कि क्लियर हो गई होंगी तो इस चैप्टर को यहां पे हम आपका लेक्चर